7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी, ये ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी ये वाला एंगल, और एंगल सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए ये वाला एंगल इक्वल है। प्रूफ हमें ये करना है, ट्रेंगल ए बी डी कांग्रेस है ट्रेंगल बी ए सी के, एंड बी बी डी इक्वल टू ए सी, एंड एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी के, ये हमें प्रूफ करना है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह हमें दिया हुआ है गिवन में ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए के, ये हमें दिया हुआ है। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल बी ए सी, लिखेंगे ए डी इक्वल टू बी सी। क्यों भाई, गिवन में दिया हुआ हमें, ये गिवन है हमारे पास, ये दिया हुआ है गिवन, एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, ये भी हमें गिवन में दिया हुआ है। एंगल डी ए बी ये वाला एंगल एंड एंगल सी बी ए ये वाला एंगल इक्वल है, गिवन में हमें दिया हुआ है ये, तो हम लिख सकते हैं ना, लिखा हमने ये। और जो ए बी है, ए बी ये साइड दोनों में कॉमन है, इस ट्रेंगल में भी कॉमन है और इस ट्रेंगल में भी ये कॉमन है, ये वाला साइड, तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू में ए बी, लिख देंगे कॉमन पार्ट, कॉमन, तो लिखेंगे जो ट्रेंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस हो गया किसके द्वारा, ट्रेंगल बी ए सी किसके द्वारा भाई, हमारे पास आया ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस, ये हमने प्रूफ किया इस रूल द्वारा, जो ट्रेंगल ए बी डी है कॉन्ग्रेंस है ट्रेंगल बी ए सी के। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बी डी इक्वल टू में ए सी बाय सी पी सी टी बाय सी पी सी टी। और जो ये हमारे पास और क्या प्रूफ करना था, हमको जो एंगल, ये एंगल हमें प्रूफ करना था, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये हमें प्रूफ करना था। तो लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी बाय सी पी सी टी बाय सी पी सी टी के द्वारा हमने प्रूफ कर दिया जो एंगल ए बी डी है इक्वल एंगल बी ए सी के।